आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखी होए जो सुने कथा, धर पूरा विश्वास। अध्याय 12वां लिख रहा हरि विष्णु जी का दास। नारद जी ने कहा, जलंधर के भय से कांपते हुए इंद्र तथा सभी देवगण भागते भागते वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए श्री हरि भगवान की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर करुणामय भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही युद्ध में जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि गरुड़ जी पर सवार हो गए। तब सागर पुत्री माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु रणभूमि के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु जी के बीच घोर संग्राम हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी आने पर बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने बलशाली तथा वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को कड़वे वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 12वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।